और क्या क्या छेड़ने वाली है? औरत कुर्बानी देना जानती है तो अपना हक छीनना भी जानती है। सुबह से तुम्हें हो क्या गया? डायलॉग से बोले जा रही है, क्या कहना चाह रही हो? सुनना चाहेंगे आप? ऐसा लगेगा किसी ने पिघला हुआ शीशा कानों में डाल दिया हो। पहली की बातें क्यों कर रही है? बताओ ना क्या बात है? आपने मुझसे झूठ बोला। झूठ? कैसा झूठ? मुझे धोखा दिया। धोखा? हाँ, मेरी जज्बात मेरे एहसास के साथ खिलवाड़ किया है आपने। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। फैजान, औरत को कमजोर मत समझो। वो अगर मोम है तो औलादी है। औरत को महसूस करोगे तो वो बाहर है, और अगर उसके एहसास को ठेस पहुंचाओगे तो वो सांस लेना भी दुश्वार कर सकती है। ये सब क्या है? क्या किसी ड्रामे में किसी मजलूम औरत का किरदार निभा रही हो जिसकी रिहर्सल करनी पड़ रही है? ड्रामा? ड्रामा तो आपने किया है सईद फैजान अहमद कमाल। जो कुछ दिल में है साफ साफ कहो। दोहा कौन? ओ, अब समझा सारे डायलॉग्स का मतलब। तो तुम जान गए? जी हाँ, जान भी गई और आपको पहचान भी गई। मुझे पता था एक न एक दिन तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी पता चलेगा ये नहीं पता था। एक बात बताओ, अगर कोई लड़की शादी करती है तो आंख बंद करके तो नहीं करती? लड़के के बारे में सारी मालूमात हासिल करती है तो तुमने नहीं किया? भरोसा किया? तुम्हारी बातें, तुम्हारा बर्ताव देखकर धोखा खा गई। उसमें गलती कैसी है? मेरी से तुम्हारी? किसी मैदान में दो खिलाड़ी उतरते हैं तो अपनी अपनी चाल चलते हैं। जिसकी चाल कमाल कर गई उसकी जीत होती है। इस खेल में मेरी चाल सही थी तो जीत मेरी हुई। मैं मैदान में उतरा, तुम्हारा भरोसा जीत। तुम मैदान में उतरी एक अमीर लड़के की लालच में। मैं लालची नहीं हूँ। पता क्यों नहीं किया मेरे पास? यही सोचकर कि पैसे वाला लड़का है कुछ तो रखेगा। और एक लड़की को और क्या चाहिए? बस जीत तुम्हारी भी हुई है। तुम्हें इस घर में सब कुछ मिलेगा। चाहो तो हमेशा खुश रह सकती हो, चाहो तो इस घर को खुशियों का महल बना सकती हो, और ना चाहो तो एक खुला कैदखाना जहाँ पर पछतावे के आंसू बहाकर बाकी जिंदगी गुजारनी है। ये कभी नहीं होगा पैसा। मैं पछताने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं तुम्हारा धोखा तुम्हारा सच दुनिया के सामने लाऊं। तुम मुझे कमजोर मत समझो फैजान, वरना। वरना क्या? तुम कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो, और वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती है। तुम्हारी एक छोटी सी तकलीफ उसके लिए एक बड़ा सदमा बन सकती है। अब पैसा तुम्हें करना है, अपनी खुशी का गला घोंट कर अपनी माँ को जिंदा रखना है, या आगे बोलूंगा नहीं। तुम्हें इस घर में किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, तुमने एक सवाल किया था, इसको जवाब तो दे दूँ। दरअसल मेरी एक्स वाइफ ने मुझे कोर्ट में लड़कर मुझसे मेरा बच्चा छीना है, ये साबित करके कि मैं बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता, बिजनेस में मसरूफ रहता हूँ, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं कोर्ट में ये साबित करना चाहता हूँ कि मैंने शादी करी है और बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से कर सकता हूँ। इसी तरह जोहा से अपना बच्चा छीन कर अपनी जिद पूरी कर सकता हूँ। तो मैं तो सिर्फ इसीलिए इस घर में लाया हूँ। अगर शादी करने का शौक होता तो सिर्फ मस्जिद में निकाह क्यों करता, धूमधाम से शादी करता। लेकिन
मैं जानता था ऐसा करने से तुम्हें कहीं न कहीं से सच्चाई का पता चल ही जाता। तुम्हें क्या लगा मैं रिसेप्शन करूंगा? वो भी झूठ था। सारी सच्चाई तो बता दी, अब आगे की जिंदगी कैसे गुजारनी है वो तो खुद तय करो। दुनिया को सच्चाई बतानी है तो बता दो, छुपानी है तो छुपा दो। ओके Thank you.